एक बीच में चीज आई थी कि जस्टिन बीवर वी भी रेप्टाइल है वो अपने ग्रीन रूम में था किसी शो के बाद या कहीं पे ठीक है तो, तो ऐसे सो सो फैंस घुस गए अंदर जस्टिन को देखा और भागते हुए बाहर आए तो सारो ने बोला कि भाई अंदर वो अपनी स्किन निकाल रहा था थे उसके हम गए थे बालाजी टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं के वो उनको वहां रखा था और जैसे ही वहाँ पे आरती शुरू होती है भाई भीड़ के अंदर से जो लोग पोजेस्ट है ना वो एकदम से चीखने चलनाने लगते हैं एकदम से ये रियल हमने खुद देखा हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जो टॉपिक्स हैं ना वो वो हमारे पर्सनल फेवरेट है क्योंकि डार्क वेब से रिलेटेड बातें होंगी एल्यूमिनार्टी से रिलेटेड बातें होंगी और जितने भी कॉन्स्परेसीज़ हम अपने आसपास सुनते हैं आजकल उन सब की बातें होंगी क्योंकि आज हमारे साथ हैं रोहन फिंग भाई के साथ ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और क्योंकि आपने पहले वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था तो हमने भाई से रिक्वेस्ट करा कि दोबारा हमारे चैनल पे आइए प्लीज़ इनफैक्ट इनके अपने चैनल पे भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी तो हमने कहा भाई को कि भाई आओ यहाँ भी थोड़ी बातें थोड़ा ज्ञान हमें <laughs> देकर जाओ क्योंकि आई एम श्योर आप अपने कंटेंट के लिए इतनी ज्यादा रिसर्च करते हो हाँ। तो कुछ आपको कुछ ऐसा पता चला होगा आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस को भी सुन के बहुत मजा आ जाएगा और हमें भी मिले में काफी टाइम हो गया था तो बातें भी हो जाएंगी और पॉडकास्ट के लिए बातें भी हो जाएंगी

ठीक है तो मैंने बताया था कि मैं वहाँ गया था और वहाँ क्या देखा था ये सब कुछ था तो वीडियो के अंदर मैंने मैंशन करा था कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से हम वहाँ गए थे ठीक है तो लोग पूछ रहे थे कि मतलब क्यों नहीं बताया मतलब बताओ क्यों गए थे ये वो तो अब वो चीज ऐसी हुई है ना कि अगर मैं बताता ना तो लोग सीधा सीधा बोलते थे कंटेंट के लिए बता रहा है तो मैंने वो चीज़ नहीं डाली मेरे को पर्सनली थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो आज तक भी फिंग पे नहीं डाली है आज तक नहीं

हमारा ऐसे चलता था कि दिन में मैं काम कर रहा हूँ रात को वो कर रहे थे डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता था तो मैं चला जाता था घर अब हमारा हमारा टाइमिंग्स बिल्कुल ऑफ है कि हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है रात के तीन बजे जिम जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि बोलता कि भाई कुछ ना आवाज़ आ रही है रात को आती है सोता हूँ ना मैं उल्टी सीधी आवाज़ आती है खटपट खटपट की ठीक है दोनों सोचे भाई चूहा तो नहीं घुस गया पूरा चेक कर लिया कुछ नहीं ठीक है सब चेक कर लिया कोई पाइप आवाज नहीं कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा ठीक है और तब तो हमारे ऊपर कोई रहने भी नहीं आया था ठीक है फर्स्ट फ्लोर पे हम ग्राउंड फ्लोर पे हमारा तो यहाँ पे मुझने बोला कि ऐसे कैसे आवाज आती है तो तीन चार दिन हो गए हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ हम आपको नहीं आई थी अभी तक आवाज रात को आती थी मैं तो घर चला जाता था ऋषि रुकता था ठीक है ठीक है काम वाम करिए मैं तो चला जाता था तो आवाज आती थी तो हम थोड़ा सोचने लगे कि हो क्या रहा है ठीक है तो मेरे को अपना वो इंसिडेंट याद आ गया घर वाला जो लास्ट टाइम हुआ था जो लास्ट एपिसोड हमने बात पॉडकास्ट में बात करी थी हमने ठीक है तो मैं दोबारा डर गया मैं भाई ये क्या चीज़ है ठीक है तो समझ नहीं आ रहा उसके बाद फिर हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया क्यों है क्योंकि हल्की हो गई चीज़ें ठीक है क्योंकि मेरा तो होता है भाई ऋषि फेस कर रहा है मैं तो कर नहीं रहा <laughs> ज़्यादा होगा तो फिर डरूंगा मैं ऋषि संभाल लेगा ठीक है तो एक दिन ऐसी रात को काम वाम करके हमने सोचा कि भाई जिम चलते हैं ठीक है दो बजे रात के हम बैठे तो हमने ना गेट पे लगाया ताला हमारा गेट है वो स्टील वाला ठीक है वो बड़ी वाली चाबी होती है ना तीन बार घुमाना पड़ता है ठीक है वो वाला है तो लगाया और हम लेके चले गए मैं बै, गाड़ी में बैठा ऋषि बैठा ऋषि ने वो चाबी उठा के रखी उसमें ग्लव कम्पार्टमेंट होता है ना गाड़ी में उसमें डाला और वो मेरे को याद है मेरे को अच्छे से याद है वो विजुअल उसने डाली है गाड़ी में डाली उसने चाबी हम गए जिम तो हाँ उस दिन क्या हुआ था ये ये चीज़ ना मेरी मम्मी लाई थी मम्मी ने दिया था कि पहन ले थोड़ा मतलब नज़र से बचाएगा ऐसा ही कुछ रीजन है तो उस दिन उसी दिन लाई थी मम्मी तो उस दिन मैंने पहना हुआ था गले में डाला हुआ था ठीक है तो हम जिम गए जिम में घुसा मैं तो शर्ट के यहाँ से ना धागा निकल रहा उसका मैं धागा निकाला तो धागा धागा है बस क्या मतलब वो टूट गया ठीक है ये चीज़ हुई तो मैं भाई शर्ट ये तो गड़बड़ हो गया आज ही खरीदा था फिर जिम में करा वापस जा रहे घर करके रस्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया हमने हमारे जस्ट सामने हुआ कि मतलब अगर हम एक मिनट पहले निकले होते ना तो एक बाइक वाला था उसको किसी ने ठोक दिया था हम एक मिनट लेट या जल्दी निकले होते हो सकता था हम ठोक देते उसे क्योंकि वो चला ऐसे रहा था तो वो ठोका उसको उठाया उठाया सब कुछ संभाल समूल के पुलिस उलिस बुला के हम गए फिर स्टूडियो स्टूडियो गए चाबी चेक करी चाबी गए चाबी नहीं मिल रही मैं भाई ये जिम में छोड़ आया होगा ठीक है गाली सुनी उसने फिर हम गए जिम में पहुंचे वहाँ पे ढूँढी वहाँ पे नहीं मिल रही चाबी फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ ढूंढी कहीं नहीं मिल रही चाबी ठीक है तो मैंने ऋषि को बोला देख अब चाबी तो तूने खो दिया है कल लेके आई हो चाबी वाले को सुबह सुबह अभी तेरे को घर छोड़ देता हूँ मैं तो मैं भी घर जाऊँगा तो गया उसको घर छोड़ के वापस आ रहा था मैं तो स्टूडियो के सामने से निकल रहा था मैं तो अंदर लाइट जल रही थी तो मैं सोचा कि वो जलती रहती है मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था ठीक है ऑन रहती है तो मैं सोचा कि हो सकता है वही कहीं गिरा दी तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं गया मैं ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ तो हमारा ना जाली का गेट है वो स्टील वाला जो है तो मैं इसे चेक करते करते अंदर लाइट जल रही थी मैंने अंदर देखा अंदर फ्रिज के ऊपर वो चाबी का जो की चेन है वो दिख रहा है मुझे जाली के थ्रू मैं एक सेकेंड ये चाबी अंदर कैसे है अंदर है अंदर तो लॉक कर दिया कर दिया था मैं देख रहा हूँ की चेन तो वहाँ है ठीक है मैं भाई ये क्या चीज़ हो रही है समझ नहीं आ रहा ठीक है अब वो जाली के थ्रू ढंग से दिख नहीं रहा मैं मैं ऋषि को फोन कर रहा हूँ भाई चाबी अंदर है पर क्या बात कर रहा है मैं चाबी मेरे को दिख रही है फ्रिज के उपर, रही मेरे सामने है। ठीक है ऋषि से बोलता हो ना यही यही मेरा दिमाग घूम गया ठीक है एक तो मैं वहां अकेला खड़ा हुआ हूँ पूरा इतना बड़ा घर खाली ठीक उसी गेट पे खड़ा हुआ चाबी अंदर दिख रही है और बाहर से गेट लॉक है ठीक है और वैसा होता ना कि नॉर्मल खोलने वाला होता कि भाई जोर से बंद कर दिया लॉक लग गया भाई वो तीन बार कैसे घुमा हुआ है वो चाबी चाबी अंदर अंदर समझ आ रही है तो हमें लगा कि गिरी होगी कोई घुस गया है, उसने बंद कर लिया है है ठीक अब ऋषि और मैं भाई साहब हमें हमें अंदर कोई है टाइम हमें, हमें भूत वूत तो दूर दूर तक नहीं आया दिमाग में मैं भाई चोर है कोई कोई तो अंदर है तो वहां से जाते जाते गार्ड को बोला इस घर पे नजर रखना मैं ऋषि को लेके आया डंडा चाकू लेके हम खड़े हुए गेट के बाहर सिर्फ दो लोग हम हाँ रेडी भाई अंदर जो होगा वो गया आज देखी जाएगी पुलिस केस वगैरह ठीक है दरवाजा तोड़ और मैं चला गया इंस्टाग्राम लाइव कंटेंट कंटेंट नहीं फटी में भाई ये क्या सीन है भाई लाइव चले गए अरे सच्ची में फटी में भाई फटी में वैसे कोई लाइव नहीं जाएगा अरे हमें वहां पे अच्छा हाँ इंस्टाग्राम लाइव वाली चीज से पहले ना आ गया था दिमाग में भाई भूत भूत तो है क्या चल रहा है तो ऐसी जस्ट इन केस ठीक है तो गया दरवाजा तोड़ रहे हैं हम ये देखा है ऑडियंस ने लाइव ठीक है तोड़ के अंदर घुसे हैं चीख रहे चिल्ला रहे मार दूंगा ये वो पूरा कर खाली सामान वैसा का वैसा रखा हुआ है इंटैक्ट भाई वो तो गेट भी बहुत हार्ड हाँ। होता है तोड़ना आ, तो तोड़ा हमने खुड़काया उसको जोर जोर से हिलाया है कि भाई ये कैसे बंद हो गया खुद से अंदर घुसा मैं फ्रिज के ऊपर वो चाबी रखी हुई है और मैंने लैंड को फोन करा उस दिन लैंडलॉर्ड ने भी देखी थी सुबह सुबह वो लाइव स्ट्रीम उसका दरवाजा तोड़ रहा है ठीक है तो हमने वो चाबी देखी अपने लैंडलॉर्ड को फोन करा मैं, सर इस घर की एक ही चाबी थी ना आपने हमें दी थी बोलता हाँ एक ही की थी तो ऐसा भी नहीं कोई और चाबी हो कुछ हो भाई हमारा दिमाग घूम गया उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है ठीक है रात को आवाज आ रही है भाई हमारे अप्लायसेज खराब होने लग गए थे एकदम से और वो आप रिसेंटली मूव इन हुए थे वहां पे हाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था हमारी हालत हो गई ख़राब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या चल रहा है अब ना उस घर में रुका जा रहा है ना काम करा जा रहा है ना शिफ्ट करा जा रहा है तो मेरा एक दोस्त है तो उसने बोला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हुआ है ठीक है तो हम गए थे बालाजी ठीक है वहाँ पे गए थे उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई थी उसके अगले दिन ही भाई गाड़ी उठा के हम गए वहां पे पहुंचे हैं वहाँ पे हमने सब कुछ देखा है कि भाई कैसे कैसे वहाँ पे पोजेस्ड लोग होते हैं सब कुछ होता है थोड़ा बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस क्या तो अच्छा हाँ तो वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हाँ भाई मंदिर है हनुमान जी का चलेंगे ठीक है वहाँ पे सुबह सुबह पहुंचे चार बजे हम तो परेशान कि भाई ये हो क्या रहा है और मैं तो डबल परेशान मेरे साथ तो दो बार हो गया घर पे बताया आपने कि ऐसा हो गया मैंने तब नहीं बताया घर वाले परेशान हो जाते बेफालतू मैं पहले बालाजी होके आता हूँ फिर बताऊंगा ये सब कुछ हुआ तो वहाँ पे पहुंचे हम बालाजी टेम्पल पे वहाँ पे सुबह सुबह लाइन लगती है ठीक है ज़मीन पे बैठना पड़ता है चार घंटे बैठे फिर अंदर घुसे ठीक है अब वहाँ पे चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह आरती होती है वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ठीक है उससे पहले लाइन में लगे रहते हैं जैसी आरती शुरू होने जाती है सारे खड़े हो जाते हैं वो और जैसी वहाँ पे आरती शुरू होती है भाई भीड़ के अंदर से जो लोग पोजेस्ड है ना वो एकदम से चीखने चलने लगते हैं एकदम से ये रियल हमने खुद देखा ये सारी बालाजी की स्टोरीज मैंने सुनी थी मैं बिलीव नहीं करता था इनमें बट मैंने वो सामने सामने देखा है हम बहुत सारे लोग हैं मतलब हजार दो हजार लोग हैं भाई सड़क पे खड़े हुए आरती शुरू होती है वहाँ पे कोई कहीं से चीख रहा है कोई कहीं से चीख रहा है कोई कहीं से चीख रहा है और हमारे बगल से ही लेके गए उनको सबसे पहले ले जाते हैं आगे अच्छा। उनको लेके गए हैं लोग है कोई गिर रहा है पड़ रहा है चीख रहा है किसी की आवाज़ बदल रखी है कुछ और रखा है फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं फिर हम मंदिर के अंदर घुसे तो पहला मंदिर है जिसके अंदर जाते हैं पूजा वूजा होती है उसके बाद एक पहाड़ी है उसके अंदर पहाड़ी के अंदर चढ़ते हुए जाते हो ना तो छोटे 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 मंदिर होते हैं और टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजिशन के वो उनको वहाँ रखा जाता है उनको उसको कोर्ट रूम बोलते हैं बेसिकली ठीक है वहाँ पे ठीक होते हैं सब कुछ होता है तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं तो हम वहाँ तक गए थे और हमने सब कुछ देखा है भाई लोग चीख रहे चिल्ला रहे बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली मेरे को लगता ऐसे तीन चार पाँच छः होते होंगे बहुत सारे बहुत सारे और एक और अपने आप को हार्म भी कर रहे थे वो कुछ किसी तरीके जैसे कि चिल्लाना हो गया जैसे दीवार में सर मारना हाँ मतलब ऐसे बैठे हुए हैं सर घुमा रहे हैं पागल हो रखे हैं हाथ पी, हाथ पैर मार रहे हैं जमीन पे जोर जोर से उनके घर वाले साइड में बैठे हुए हैं बैठे हुए चुपचाप ऐसा भी होता नहीं काफी लोगों को बांधा होता है जंजीरों से लोग मतलब ज्यादा ऐसा कुछ ही देखा था बट वही था कि उनके घर वाले साथ में तो शायद वो कहीं जले जाते पकड़ लेते होंगे ये वो तो घर वाले भी बैठे हुए हैं ऐसे कि भाई अब तो भगवान ही ठीक करेंगे ऊपर और वहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा वहां पे एक एनर्जी है वहाँ पे ऊपर जाके सबसे मंदिर में माथा टेका मैं रोया हूँ मैं रोया हूं भाई सब रो रहे हैं और निकलते आंसू ऐसा लगता है सारे जितने पाप करे ना सारे धुल गए हैं या ऐसा कुछ फील होता है भाई बहुत अलग होता है और पहाड़ी से ना सारे चुपचाप नीचे आते हैं चुपचाप अच्छा सही है तो ये सारी चीजें हुई थी तो उसकी वजह से बालाजी गए थे उसके उसके बाद ये वीडियो डाली थी जब जब उसके वा, उसके पास बाद वापस आए तो फिर फ्लैट में अपार्टमेंट में कुछ फिर सब आ, कुछ आवाजें आई सब सब क्लियर कट शांत उसके बाद फिर पूजा वूजा भी करी भगवान भगवान की मूर्ति वगैरह रखी तो उसके बाद से उसी में बजरंग बली जी के यहाँ चले गए तो फिर थोड़ी कोई पावर टिकेगी तो जो मैं भक्त बनाऊ सही में ऐसा लग रहा है जान बचा ली मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम पे

काफी था हमारे लिए हमें ध्यारी रहे कि आप पूजा करें कुछ करे। जाओगे उसके बाद तुम कितना ही प्लान कर लो तुम्हारा कुछ आ जाएगा कुछ आ जाएगा जब भगवान बुलाएंगे तुम तभी जाओगे भाई भाई ये तो, तो ये बुलावा कह लो कुछ कह लो बट हाँ भाई हम भी अभी रिसेंटली उज्जैन गए थे तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे आपका बुलावा है तभी आप जा तभी सकते हो जा ही नहीं सकता जाते हो और वहां पे भी जो एम एन थी महाकाल मंदिर में हाँ, हाँ। नेक्स्ट लेवल हम साथ ही थे और

दिल से नहीं मांगता था उससे को ऐसा लगता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चीजें मिल जाएंगी था ये सब कुछ होने के बाद समझ आया कि क्या पूरी लाइफ है क्या एसेंस है लाइफ का क्या मीनिंग है सब कुछ हुआ उसके बाद तो भाई अब भगवान के भरोसे ऐसा <laughs> तो वैसा सीन <सीड़> है <laughs> चलो ये बहुत बढ़िया हुआ भाई अब बात करते हैं थोड़ी कॉन्स्पिसी की <laughs> भाई। भाई आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा हमारी जनता से थोड़ी बात करना चाहता हूँ गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि नए साल का ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ निकल चुका है हम सबके खर्चे बढ़ चुके हैं और हर साल हम ये विश करते हैं कि न्यू ईयर में अपनी फैमिली को ख़ुद को कुछ न्यू एक्सपीरियंसिस दें बट अफसोस यार हमारी इनकम वही पुरानी रह जाती है तो मतलब ये बड़े बड़े प्लान हम एग्जीक्यूट कैसे करें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम से राइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं और आप ये थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे सकते हो पॉकेट ब्रोकर पे पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इजीली ट्रेड सीख सकते हो सक्सेसफुल ट्रेड्स कर सकते हो और खुद ट्रेडिंग किंग भी बन सकते हो अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसको स्टार्ट कैसे करना है जाके रजिस्टर करिए इनके प्लेटफॉर्म पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपना फेवरेबल अमाउंट आप डिपॉजिट करिए और यूज करिए हमारा प्रोमो कोड रियल हिट आपको मिलेगा 60 परसेंट बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करने के बाद आपको मिलेंगे पचास हजार डॉलर आपके डेमो अकाउंट में वो भी बिल्कुल फ्री जिसको यूज कर कर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर है तो यहाँ पर

वो कहीं ना कहीं के रेप्टाइल्स है छिपकली है तो कोई भी इंसान पागल है यार ये ठीक है लेकिन जब इसके ऊपर तुम तो सर्च करने लगते हो ना एविडेंस मिलने लगता है तुम्हें तो कि क्यों ऐसा कहा जाता है तो भाई दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है बहुत पुराने टाइम से ये सब आ, आ, कौन ईयर भूल गया मैं एक बंदा है डेविड आइक ठीक है उसने एक बुक लिखी थी उस बुक का टाइटल था द तो बिगेस्ट सीक्रेट बिगेस्ट सीक्रेट में उसने मैंशन कर रखा था

मेन ये चीज़ बहुत बहुत पुरानी है कि मतलब ऐसा एक बुक एक और बुक है मिस्ट्रीज ऑफ द गोबी करके नाम है उसका ठीक है उसके अंदर ये मैंशेंट है एविडेंस के साथ ही कुछ कुछ कि पहले एक रेप्टिलियन रेस होती थी और ह्यूमन रेस तो है उनके बीच में वॉर हुई थी उस टाइम पे रेप्टिलियन रेस एक्सटिंक्ट हो गई थी ऑलमोस्ट तो जो बची कुची थी वो अंडरग्राउंड रहने लग गई थी एक ये थियरी आई थी ठीक है एक तो ये दूसरी वाली डेविड आइक की आई थी ये सब कुछ चल रहा है तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी रिलीजन् मोस्टली रिलीजन्स में कहीं ना कहीं रेप्टिलियन रेप्टलियन रेस है ठीक है कहीं ना कहीं हमारे हिंदू कल्चर में भी है ठीक है शिव जी के साथ क्या आ, वासुकी शेषनाग ये सब कुछ है तो अगर बेसिक लेवल पे हम बोलें ठीक है कि हम हिंदू हैं ठीक है अगर हम मान रहे हैं कि भगवान जी हैं ठीक है कि हनुमान जी हमारे हैं हनुमान जी भी होंगे कहीं ना कहीं तो हम कहीं ना कहीं ये भी कंसिडर कर सकते हैं रेप्टिलियन रेस वाला कि उनके भी तो फिर आगे फॉरवर्ड आई होगी ना जनरेशन कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ है मतलब इंसानिटी की तरफ ही जा रहे हो तो एक तरीके से ये चीज़ सोचने पर लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी 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 जोड़ के ना एक साथ कहीं ना कहीं ये कंस्पिरसी थियरी बन जाती है कि अभी के टाइम पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं बट भाई ये एक ह्यूमन बॉडी और रेप्टाइल क्या नाम वही पॉलिटिकल बड़े बड़े हैं हाँ। नाम आता है जो बाइडन जी का और हाँ। बैरक ओबामा को भी कहा जाता है हाँ। तो भाई ये ऐसे ऐसे कैसे तुम क्या रिसर्च करा आपने नहीं मतलब जो लोग ये ये एक ये चीज़ आई थी कि एक बीच में चीज आई थी कि जस्टिन बीवर भी रेप्टाइल है जस्टिन बीवर का पता है क्या न्यूज आई थी बीच में कि वो अपने ग्रीन रूम में था किसी शो के बाद या कहीं पे ठीक है तो तो ऐसे सौ डेढ़ सौ फैंस घुस गए अंदर ठीक है वो सौ डेढ़ सौ फैन अंदर घुसे जस्ट व्यूअर को देखा और भागते हुए बाहर भाई कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा है कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा, रहा है ठीक है तो कुछ लोगों ने मतलब सारो ने बोला कि भाई अंदर वो अपनी स्किन निकाल रहा था स्केल्स थे उसके अरे अच्छा? कि वो रेप्टाइल है हाँ वो लड़कियां भाग रही है भाई चीख रही है चिल्ला रही है कि रेप्टाइल है रेप्टाइल है ये वो ये बोला है लोगों ने ये बोला है ये आर्टिकल आया था कोई कोई तो न्यूज वेबसाइट पे आर्टिकल और ये दो दिन में हट गया था दो दिन क्या एक दिन में हट गया था अच्छा और इन लोगों ने बोला है औरत हल्ला है है। तो कर रही है, कि मेरे साथ, वाला नहीं है। मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी अरे हाँ वाली में आ है। वो क्या होता है भाई? हो गया कि कुछ ऐसे ऐसे लोग रेप्टिलियन स्पीशी में कह लो या कोई भी कह लो जिनके पास ये पावर है की वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अलग इंसान बना सकते हैं जानवर बना सकते हैं ये वो ठीक है ऐसे बुक्स वगैरह में होता है ना फिक्शनल वगैरह तो वैसा शेप शिफ्टिंग बोलते हैं उसे तो ये मैं पता नहीं पढ़ रहा था कितनी ये चीज फैक्ट है नहीं है कि वो जो फ्लाइट वाली चीज हुई थी ना वो जो लेडी थी तो उसने वो देखा उस बंदे चिल्ला रही, रही है अंधेरे पे ये वो उसके बाद ये पूरा सीन न्यूज में आया उसके बाद वो लेडी गायब है अच्छा कि वो लेडी को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं ढूंढा जा सकता कहीं ढूंढा जा सकता ऐसा लग रहा है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ये सुनने अब ये कितना फैक्ट है ये नहीं पता बट ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी अच्छा

और ज, जिसने उन एक बार किसी ने स्टूडेंट ने उनका रूप देख लिया असली तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया था वही तो ऐसे वो बता रहे थे बहुत सारे ऋषि ऐसे थे, थे कि भाई हाँ तो ये जो ये जो हम रेप्टिलियन स्पीशी वाली बात कर रहे थे ये एलियन से भी लिंक्ड है हाँ बीच में एक आ, एक पुलिस ऑफिसर था नेब्रास्का में कहीं पे ठीक है तो उसी एरिया के आसपास ना यूएफओ एफ ओ साइटेक्स वगैरा हो गई थी बहुत ज्यादा ठीक है तो उसने दो तीन देख ली थी ठीक है तो उसके बाद उसको वैसे बहुत चक्कर वक्कर आने लग गए थे मतलब कहीं पे भी बेहोश हो जाता था ये वो तो उसके बाद ढूंढने के, के पास गया था के पास गया। वहां जाके करा। अब करके वो होता है ना कि जो एक्चुअली जानता है इंसान वो बाहर निकले बाहर ठीक है तो हिप्नोटाइज करा तो वो बोल रहा था कि भाई जो यूएफओ एफ मैंने देखी उनमें से एक ने मेरे को ही और वहां पे वो जो एलियंस थे वो रेप्टाइल्स ही थे रेप्टाइल की ही फॉर्म में थे और उनके ऐसे यहाँ पे ऐसे एक लोगो था स्नेक विद ठीक है विंग्स वगैरह अब यह मेटाफॉरिकली बोला था उसने क्या बोला था लेकिन ये चीज़ जब उसने बोली कि बोला भाई मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है ठीक है और वो पुलिस ऑफिसर था तो उसकी बात थोड़ी क्रेडिबल थी ठीक है अब नॉर्मल इंसान कोई बोलेगा तो डिस्कार्ड कर दोगे नहीं है वो तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी तो ये चीज भी आ गई थी एडअप हो गई थी रेप्टिलियन थ्योरी में और क्या चीजें आपने रिसर्च करी थ्योरी में मैंने कुछ मैंने इंटरनेट से ढूंढा यह सारा ये रिसर्च बाकी लोगों ने करा है और मैंने फिर ढूंढा इन सबको एंड सबको साथ में जोड़ा एंड देन आई वाज लाइक ओके तो ये है हाँ तो और क्या आपको मिला और कोई आ, मिला इसके अलावा ये चीज थी और एक और था कि अगर सारे हाँ एक थॉट आया था कि अगर सारे वर्ल्ड के लीडर्स जो है वो अगर रेप्टाइल्स हैं तो वो कनेक्टेड होने चाहिए कहीं ना कहीं है ना बिल्कुल उसके बाद फाइंड उसकी ये थॉट के बाद ही आ, क्या कहते हैं ये चीज़ रिवील हुई थी कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन आर लाइक डिस्टेंट कजन्स ऑफ द सेम ब्लड लाइन क्या बात कर रहे हो हाँ जॉर्ज बुश की ब्लड लाइन में भी काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स थे और ये बुश डायनेस्टी वाली थे है ये तो ये सारे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं

भाई नहीं इसके पीछे कोई और रीजन होगा क्योंकि ये बात थोड़ी जच नहीं रही hmm. ठीक है किसी पॉलिटिशन ने सपोज इंडिया में कोई चीज़ करी कोई चीज़ मतलब स्टार्ट कर दी कोई नया रूल बना दिया कुछ कर दिया तो हम इंडियन इंडियन लोग कैसे होता है वो भाई बहुत बढ़िया करा hmm. हम में से कोई ये नहीं सोचता भाई क्यों करा इसको क्या मिल रहा है इस पर इसका क्या फायदा इसकी पार्टी को क्या फायदा ऐसा सोचते ही नहीं है यही अगर ऐसा सारे सोचने लगे ठीक है सौ लोग भी सोच रहे हैं तो एक दो के पास कुछ तो आएगी ना कि भाई ये इसने शायद इसलिए करा होगा इसलिए तो ये कल्चर है नहीं नहीं इंडिया में में बात की जड़ में नहीं जा, जाते हाँ, वो में। जड़ जाते वो वो भी भी फेक हो सकती है भाई वैसे, 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 वैसे अगर ह्यूमंस को रेप्टाइल्स कहा जा रहा है जैसे मान लो जो बाइडन की बात हुई थी या फिर जस्टिन बीवर के बारे में आप कह रहे हो तो अगर उनके हम उसमें जाए पास्ट में उनका चाइल्ड हुड उनकी वीडियोज भी है जैसे जस्टिन बीवर की भी वीडियोज है

मतलब चेंज हो रही है ऐसे बहुत सारे केसेस सेम केस थी पे। तो वो खड़ा हुआ है वो बात कर रहा है चुपचाप खड़ा हुआ, है, ठीक है? चुप खड़ा हुआ है। और वो उसे ब्लिंक करता है फॉर वन फ्रेम और टू फ्रेम न, उसकी रेप्टिलियन वाली होती है फिर वापस ब्लिंक करता है नॉर्मल है वो कैमरा ग्लिच है क्या है एडिट है किसी ने एडिट कर फोटेज थोड़ा एडिट करेंगे कोर्ट की कोर्ट की बट हमने तो हमने तो उसे इंटरनेट पे ही देखा है ना तो कोई कोर्ट में कोर्ट की फुटेज में ना हो और इंटरनेट पे जो दिखी उसमें हो तो फिर वो एडिट होके आ सकती है रीजन तो कुछ भी हो सकता हाँ। तो तो है ये तो देखा रे, जाए तो फिर रेप्टलियन ही क्यों कोई और क्यों नहीं क्योंकि क्योंकि और भी तो हो सकती है कि रेप्टाइल ही नहीं और हमारे रिलीजन में भी है और वो पास से चलती आ रही है ना रेप्टिलियन ही पास से चलती आ रही है कोई और एनिमल या कोई और स्पीशी लिंग नहीं है सिर्फ रेप्टाइल्स ही हैं तो वैसा चलता आ रहा है बट हाँ ये वो ही है कि कंस्पिरेसी थ्योरी है कंस्पिरेसी थ्योरी इज लाइक कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज होती है जो सच बोलने का तरीका होता है जिसको तुम तो ओपनली नहीं बोल सकते तो या कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज होती है जो मजे के लिए थ्रिल के तो आपका क्या टेक है इस पे मजे वो के, वो के, के लिए रेप्टिलियन वाली है वो मजे के लिए जो मजे वाली होती है ना किसी दिन अगर गलती से भी आ, सच निकल गई बट किस, भाई जब ऐसे देखते हैं कि आई बॉल्स का शेप चेंज हो रहा है तो ऐसा लगता है यार ये नॉर्मल तो नहीं है यार लो, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है किसकी आंखें चेंज भाई एक आम आदमी तो, की तो फट गई है भाई ये कैसे हो पॉसिबल है ये हो कैसे तो? रहा है और कुछ कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं कि जैसे मान लो ग्रुप ऑफ पीपल हैं और कुछ ना स्कैनर है हाँ। तो अगर ह्यूमनली बॉडी है तो वो स्कैन हो गई ग्रीन दिख रही है हाँ। अंदर है, कुछ अलग है तो वो रेड है हाँ। तो जो बड़े लीडर्स हैं उस कंट्री के आदमी ये, की ये, चीज तो, क्या है यही तो फैसिनेटिंग चीज है के बारे में कि ये जो तरीका है ना चीजें ढूंढने का किसी में से कुछ निकालने का और पोटेंशियली सच बोलने का वो इतना फैसिनेटिंग लगता है ना मेरे को कि कंस्परिसी थियरी अगर मेरे को जैसे सपोज मेरे को गवर्नमेंट के बारे में कुछ बहुत मेजर सच पता है और मैं चाहता हूँ लोग जाने अब मैं ऊपरली जाके बोलूंगा मेरे को गोली मार देंगे वो ठीक है अब मैं कैसे बताऊंगा मैं कहानी बना दूंगा ठीक है कि भाई एक बार एक ऐसी गवर्नमेंट थी उसने ऐसा ऐसा करा था ये था वो था और ऐसे ऐसे वो सब कुछ कर रही थी ठीक है मैंने किसी का नाम नहीं लिया मैंने गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया लेकिन मैंने अपना मैसेज आगे पहुंचा दिया जिससे लोग कहीं ना कहीं सोचे

अब सेटन क्या करता है भगवान क्या बोलता है ठीक है कि भाई मेहनत करो कर्म करो फल मिलेगा ठीक है सेटन उसका ऑपोजिट बोलता है कुछ कर्म मत करो मेरे पास आओ मैं देता हूँ ठीक है तो सेटन वाली जो है ये क्या कहते हैं सेटनिज्म वाली जो थ्योरी है वो ये कहीं ना कहती है कि कोई भी इंसान है उसको पैसा चाहिए फेम चाहिए तो वो जाएगा किसी तरीके का सैक्रिफाइस देगा सेटन को और सेटन उसे वो सारी चीजें दे देगा जो उसे चाहिए सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये ठीक है यूजली सैक्रीफाइस में क्या होता है ह्यूमन सेक्रीफाइस हो गया या फिर अपनी कोई चीज़ सेक्रीफाइस कर दी कोई बॉडी पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया कुछ कर दिया ठीक है वो बलिदान वाली चीज़ है कि एक चीज़ कुर्बान करके देन यू गेट एवरीथिंग यू नीड ठीक है तो ये थ्योरी काफ़ी ये ये भी बहुत पुरानी ऑलमोस्ट सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत पुरानी है ठीक है तो सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थ्योरी सबसे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी पुराने टाइम में जब एक ब्लैक म्यूजिशियन था ठीक है तो उसको फेम वगैरह चाहिए था तो उसने कुछ तो रिचुअल करके सेटन के साथ एक डील करी थी उसने अपनी सोल सेल कर दी थी सेटन को दे दी थी एंड सेटन ने उसे एक गिटार दिया था उस गिटार को यूज करके लाइक ही गॉट वेरी पॉपुलर ये सबसे पहला केस है ठीक अच्छा। है ये है इंटरनेट पे मिल जाएगा तो ये सबसे पहला केस हुआ था उसके बाद काफी बार ये देखा गया मोस्टली ये म्यूजिशियंस और एक्टर्स के साथ है ठीक है अब सेटनिज्म वाली चीज सेम इल्यूमिनाटी के साथ भी जुड़ी हुई है ये कहीं ना कहीं साथ में ही चलते हैं ठीक है तो ये बोला जाता है कि बियॉन्ड से और जेजी है ठीक है ये इन्होंने भी अपनी सोल सेल करी है, है वो ठीक है तो कई बार परफॉर्मेंस के बीच में हैंड साइंस हैं वगैरह वाले ये चलता है तो अभी रिसेंटली सबसे रिसेंटली जो ये केस आए हैं क्या कहते हैं सेलिंग योर सोल वाले सबसे रीसेंट वाला है सैम स्मिथ का सैम स्मिथ का क्या है भाई सैम स्मिथ एक सिंगर है पहले थोड़ा टाइम पहले ही बहुत प्यारे गाने बनाता था बहुत सुंदर आवाज़ है उस बंदे की ठीक है थी ठीक है बहुत प्यारे सुंदर गाने मतलब मजा आ जाता था सुन के ठीक है तो वो उतना चल नहीं रहा था उस टाइम उसके बाद हुआ वो गायब ठीक है जब वो पहले ऐसे सुंदर वंदर गाने बनाता था पतला सा था सिंपल सा था ठीक कपड़े पहनता था ये वो उसके बाद वो वापस आया बहुत टाइम बाद ठीक है काफ़ी अजीब सा हो रखा था उसने एक गाना बनाया अनहोली ठीक है अनहोली सुना होगा रील्स वगैरह पे भी बहुत फटा उसने अनहोली बनाया अनहोली बहुत ऐसे सिनिस्टर सा डर्टी वाइब वाला सेक्स के अराउंड लस्ट के अराउंड ऐसा गाना था ठीक है गाना अच्छा था गाना मेरे को भी अच्छा लगा था बट स्टिल उसने ऐसा ऐसा गाना बनाया और वो फट गया गाना बहुत ज़्यादा फट गया था वो फटा और उसके बाद उसने परफॉर्मेंसेस करनी शुरू करी इस गाने की परफॉर्मेंसेस में उसने क्या कर रखा था उसने एकदम मतलब एकदम स्ट्रिपर वाले कपड़े पहने हुए सब कुछ करा हुआ उसने हॉर्न्स पहने हुए हैं ठीक है पीछे उसके टेल है डेविल वाली ऐसे वो डेवल का वो वो ट्राइडेंट जो होता है है लेके खड़ा हुआ है, नाच रहा है स्ट्रिप कर रहा है, मतलब है सुंदर गाने बनाता था एकदम ही ऑपोजिट बन के आया वापस और फट गया ठीक है और फिर आके डेविल को प्रमोट कर रहा है ठीक है ये चीज हुई थी तो वैसे ही उसको देखा है

मेल एक्स मतलब इतना पॉपुलर नहीं था पहले ये सब कुछ फिर उसका एक गाना आया था आ, क्या नाम था उस गाने का मोंटेरियो मोंटेरो हाँ मोंटेरो आया था उसका गाना उसके अंदर वो वो भी गाना मेरे को अच्छा लगा था सबको ही अच्छा लगा था लेकिन उस गाने के अंदर वो सेटन के साथ डांस कर रहा है सेटन को लैब डांस दे रहा है सेटन प्रमोट हो रहा है mm -hmm. सेटनिज़म का ये है कि यू सेल योर सोल एंड बाहर जाके मेरे बारे में बताओ कि और लोग आए हमारे इस कल्ट को ज्वाइन करें ये सब कुछ करें तो कहीं ना कहीं ये थियरी अभी मॉडर्न टाइम में सबसे रिसेंट उसमें सैम स्मिथ और लिलनाजेक्स के अराउंड ही सेलिंग योर सोल वाली भाई ऐसा कहते भी है कि बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है पर वो ये सब चूतियापा नहीं करते कभी प्रमोट नहीं करते कि हुलिया बदल गया और ये कर दिया हो सकता है, तरीका अलग हाँ इंडिया के लिए कस्टमाइज कर रखा हो तरीका हाँ, क्योंकि यहाँ तो जूते पड़े ऐसा <laughs> कोई कोई कर कर दे तो तो यू नेवर नो अगले साल में कोई कर रहा हो तो ये, समझ ये, ये, ना, ना, यही है कि इंडियन ऑडियंस वो एंजॉय नहीं करेगी जब वो हरकतें करेंगे वो सब जी, जी, पहन थी, के थी, और ये सब चीजें कौन करेगी डिपेंड करता है कौन कर रहा है लेकिन जिनके नाम जुड़े हुए हैं जिनके नाम सबने सुने हैं इस बारे में उनकी ऑडियंस तो मेरे हिसाब से नहीं करेगी यार जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहे हैं जैसे तुम बता रहे हो लेकिन हम हम क्या कहते हैं कल्चर वाइज और वैसे पीछे भी तो चलते हैं ना पांच दस साल हाँ, बाकी कंट्रीज से ये बात तो दस साल कर ले। से नहीं बोलूंगा अलग है नहीं अलग अब अलग अब से अलग, तो बिल्कुल एट पार आ गए इंटरनेट हाँ, की वजह से जो अलग 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 कल्चर कल्चर वाइज चलते हैं बाहर सेटन का कल्चर है यहाँ पे तो अब धीरे धीरे पता चल रही है तकनीक तकनीक अलग है की मैं इस हिसाब से प्रमोट हूँ इंडिया में वैसे नहीं हो सकता ना कि जाली पहन के आ रहे हैं सिंगर लोग बोलते है की मैं प्रमोट कर रहा हूँ हो भी सकता है मैं कर रहा हूँ

भाई एक और आ, आ, बहुत पागलपन है वो तो पागलपन है वो एक पॉइंट पे तो मैं जाओगे हाँ हाँ कर दिया होगा मेरे को नहीं सोचना है इस बार में क्योंकि दिमाग घूमने लग जाता है यार सोच के तो सिमसन्स कार्टून है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है सबसे लंबे शोज में से एक है तो कार्टून सीरीज में बहुत पहले के टाइम में कुछ चीज़ें दिखाई थी जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं उसके एक एपिसोड में बहुत पुराना एपिसोड है वो उसके अंदर उन्होंने फेस टाइम है ना हमारे आईफोन में होता है फेस टाइम वीडियो कॉलिंग वो दिखाया हुआ है ठीक है और उसी सेम एपिसोड में उन्होंने स्मार्ट वॉच भी दिखाई हुई है ठीक है वो एक बंदा होता है वो ऐसे फोन उसका खुलता है उसमें बात करता है ऐसे ये सालों पुराना है और सालों बाद एप्पल ने वो लॉन्च और ये एपिसोड कब टेलीकास्ट हुआ है 1990s में हाँ भाई बहुत बहुत पुराना बहुत पुराना है वो ये चीज हुई थी फिर उन्होंने काफी सारी चीजें और प्रेडिक्ट कर दी थी उन्होंने उन्होंने उनका एक एपिसोड और है कि जिसमें ट्रंप या कोई स्पीच दे रहे हैं आ, दो बंदे व्हाइट हाउस पे और एक यूएफओ आता है टकराता है उससे व्हाइट हाउस से नहीं नहीं ये दो दो चीजें वो कर दी कंबाइन कर दी एक एपिसोड एपिसोड है 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 जिसके अंदर अंदर एस्केलेटर से उतर रहे हैं हैं को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बता दिया था पहले एक एपिसोड है, उसके एक लड़की होती लीजा नाम है, सीरीज में उसका तो वो जाती है। हाँ। तो वो वो बन जाती बोलती है कि भाई हमें ना क्या कहते है, ये बहुत पुराना और हाथ Simpsons में है। है सालों बाद जब वो 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 बना ट्रंप, ट्रंप ऐसे ही एक उस और वो हाथ था। और वो है। और उसके अंदर शायद था कि आ, क्या कहते हैं जो वाले एपिसोड में ना पीछे एक बंदा होता है बोर्ड लेके उसके हाथ से बोर्ड गिर जाता है ठीक है जो रियल फुटेज है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, है सेम तेरी सेम चीज़ चीज़ ये ये का का प्रेसिडेंट बनना प्रेडिक्ट कर दिया था और एक और एक 2024 में में दोबारा आना भी में। अच्छा अगर ये हो गया फिर तो कुछ हो ये है तो है है और सबसे क्रेजी, सबसे क्रेज़ी क्रेज़ी जो मेरे को लगती क्या होता था कि पहले के टाइम में बोलते थे तीन चीजों से एटम बनता है ठीक है फिर नाइनटीन सिक्सटी नाइन था शायद ही है था एक साइंटिस्ट पहले उसने बोला था कि भाई एटम के अंदर एक और चीज़ है जिसके वजह से इसे मास मिलता है गॉड पार्टिकल नाम रख दिया था उसका ठीक है ऐसे करके तो ऐसे ऐसे थियोरी थी है, कोई प्रूफ नहीं था ठीक है उसके सालों बाद क्या कहते हैं सिमसन का एक एपिसोड था उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है सिमसन का हा, हा, हावर्ण, हावर्ण है पता नहीं ऐसी कुछ नाम है तो वो साइंटिस्ट बन जाता है

हाँ, हजारों करोड़ों रुपए बच जाते हैं no. बट तो हाँ। इतने सालों पहले का एपिसोड है अगर तुम मैथमेटिशियन भी हो इतने प्रिसाइज कैसे हो सकते हो कि इतने सालों बाद हजारों करोड़ खर्च करें और फिर एग्जैक्ट exactly exactly. एक्जन निकले hmm. सही में और exactly. कोरोना वायरस में तो कुण कुण काफी क्लोज के हिसाब से भी लाइक कैसे हो सकता है वही तो उस टाइप तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कैसे लिख दिया और एक उनकी रील भी आती है बैलेंसी आगा का फैशन शो चल रहा है उसमें दो काले ड्रेस में लड़की आती है उसमें वो ये एक रैम्प शो हो रहा है बैलेंसी आगा लिखा हुआ है दो मॉडल आ रही हैं ब्लैक कपड़ों में हाँ। और असली में भी सेम ही हुआ है मतलब हाँ। एक रैम शो हो रहा है जिसमे उन्होंने सिमिलर ड्रेस पहनी है बैलेंसी आगा का ही वो शो है तो वो भी है की राइटर्स फ्यूचर से है क्योंकि भाई सिमसंस ने वर्ल्ड कप के मैचेस प्रिडेक्ट कर रखे हैं एक हुआ था क्या कहते हैं एक एपिसोड में दिखाया हुआ है ना ठीक है है उसके उसके अंदर बीच में शो होता है, तो उसके वो लेडी, तो लेडी गागा है ठीक है वो ऐसे है उसके रस्सी बंधी हुई है ठीक है और वो ऊपर उड़ती है ठीक है और ऐसे ऐसे गा रही है परफॉर्म कर रही है सब कुछ कर रही है सालों बाद सुपर सुपरबोल होता है उसके अंदर लेडी गागा परफॉर्म करती है सेम अच्छा सेम वही उसी तरीके से उठती है वो दोनों दो क्लिप साथ देखोगे ना तो मतलब उसमें ऐसा है जो कार्टून कैरेक्टर है उसका नाम हाँ। कुछ और है वो लेडी गागा नहीं बट उसकी उसके जो ए, मतलब बाल नहीं लेडी गागा ही थी शायद उसका नाम लेडी गागा मतलब मैं कह रहा हूं एपिसोड में वो नहीं है शायद बट

तो वह ऐसे मैगजीन उठाती है तो उसके अंदर एक बस होती है ठीक है उसके ऊपर नाइन सेंट्स लिखा होता है ठीक है नाइन सेंट्स और साइड में दो टावर होता है नाइन इलेवन न्यूयॉर्क लिखा होता है नीचे वो सेम और पता नहीं कितने टाइम पहले आया था एपिसोड भाई साहब, अरे भाई तो ये भी प्रिडिक्ट कर दिया था सिंसन्स क्या चल रहा है यार ये सिमसन वालों का भाई कोविड भी किया था शायद हाँ कोरोना वायरस भी कर दिया हाँ कोविड भी कर दिया था अभी अभी के टाइम में वो नई नया है ना एप्पल का विजन प्रो हाँ हाँ वो भी प्रेडिक्ट कर दिया था अच्छा वो सेम दिखाया है सिमसन ने कि पहन के घूम रहे लोग अरे भाई तो ये तो ऐसा लग रहा है जिस सिमसन सिमसन पिछले पांच छह साल से बहुत हो रहा है दो तीन साल से तो हो ही रहा है

तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए थे ये देख के तो बाकी सब ठीक है भाई तो अगर तो ये चीज हो गई उसकी सारी प्रशन भी सच नहीं होती मतलब वो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ दिखाते ही है बट बहुत कम रेशियो में वो सही भी हुई एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें ये कहा जाता है की इतने सारे हो चुके हैं इतने जोक्स क्रैक्स हुए क्रैक हुए हैं उसमे नंबर लिखे हुए कि एक लाख समथिंग जोक्स क्रैक हुए एक लाख समथिंग इंसिडेंट्स दिखाई गए हैं उनमें है। है। से सेवेंटी थ्री एग्जैक्टली हो गए लोग ऐसे वीडियो बना रहे है, ये चल रहा है। यार से चलो ठीक है बात यह कंसिडर करी जा सकती है यार फैशन कॉपी हो सकता है है ठीक है बाकी चीजें सकती है साइंस इक्वेशन टेररिस्ट अटैक ये थोड़ा प्रेडिक्ट करा जा सकता है ये तो मजाक में भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यार। पर दो बिल्डिंग्स में दो प्लेन घुसे थे वो मेरे को लगता है ठीक है अच्छा। और अभी इस टाइम पे वन थर्ड पॉपुलेशन उस कंट्री की बिलीव करती है अच्छा ये प्लान था अब ये प्लान कैसे था कि एक बहुत ही बिजार कंस्परिसी थेरी है ठीक है ऑलमोस्ट हटा देने वाली बट सुनने में मज़ेदार है कि कभी बिल्डिंग्स में प्लेन घुसे ही नहीं थे अब ये थेरी कहाँ से आई ये थेरी इसलिए आई थी कि एक न्यूज़ फुटेज न्यूज़ पे दिखा रहे थे सब कुछ ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था कि प्लेन घुस रहा है वो तो एक चैनल के फुटेज में आया था कि ऐसे प्लेन जा रहा है ठीक है और क्रैश होने से पहले जस्ट बिल्डिंग से जा थीके? उसका एक विंग गायब है ठीक है और फिर वो घुसता है ठीक है पहली चीज़ हुई है प्लेन का विंग आया हुआ है ऐसे फुटेज आप न्यूज पे देख रहे हो सपोज ठीक है बिल्डिंग है ऐसे प्लेन आ रहा है और क्रैश ये यहाँ पे बिल्डिंग है क्रैश होने से पहले जस्ट उसका एक विंग आया हुआ है ठीक है तो यहाँ से सी जी आई प्लेन वाली चीज आई ठीक है दूसरी चीज एक, एक फुटेज निकली थी कि बिल्डिंग है उसके अंदर ऐसे दिख रहा है कि प्लेन घुसा है और उसकी प्लेन की नोक जो है आगे की दूसरी साइड से निकली है ठीक है दूसरा एंगल से वो बिल्डिंग देखते हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट ही नहीं है होल ही नहीं है बार्स दिख रहे हैं कि बिल्डिंग इंटैक्ट है, तो है? है।, okay. है।, है से तो ये जो अटैक हुआ था इससे थोड़े टाइम पहले यूएस ये जो अटैक हुआ था इससे थोड़े टाइम पहले ही वो कंट्री टेस्ट कर रही थी कि कोई अगर एयरक्राफ्ट है वो अपनी फुल स्पीड में किसी कॉन्क्रीट बिल्डिंग में घुसता है तो क्या होगा उन्होंने टेस्ट करा था और वो जो एयरक्राफ्ट था ना उसी स्पीड में आया जिसमें एक प्लेन होता है क्रैश करा और उसकी धज्जा उड़ गई लेकिन बिल्डिंग को वो पेनिट्रेट नहीं कराया ठीक है लेकिन जो अटैक हुआ था उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर गया कॉन् मतलब प्रॉपर बिल्डिंग को वो चीज़ पॉसिबल नहीं है उनके ख़ुद के टेस्ट में दिया हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता तो ये थेरी आई थी कि जो प्लेन्स थे वो सी जी आए थे ठीक है ये थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली थेरी हो जाती है ठीक है इतना वो वो सॉलिड चीज़ नहीं है ये क्योंकि लोगों ने देखा है जाते हुए उनके खुद के कैमरा के भी फुटेज है तो इसको तो अब हटा सकते हैं एक थेरी ये है और ये तो दिस मेक्स सो मच सेंस कि ये क्यों हुआ था जो दोनों बिल्डिंग्स थी उसके साइड में एक तीसरी बिल्डिंग थी जहाँ पे फाइनेंसेस वगैरह डिस्कस होते थे कंट्री के इस अटैक वाले दिन से थोड़ा टाइम पहले ही ये डिस्कवर हुआ एक्चुअली एक दो दिन पहले ही कि भाई 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हिसाब ही नहीं है अच्छा कहाँ गए किसके पास है हिसाब ही नहीं है और वो जो सारे रिकॉर्ड थे ना वो से एक बिल्डिंग में थे ऐसी कुछ थे ठीक है उसमें थे और जिस दिन ये डिस्कवर हुआ कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हिसाब ही नहीं है उसके अगले दिन प्लेन घुस गए दोनों बिल्डिंग में वो दोनों बिल्डिंग नीचे गिरी साथ में उस बिल्डिंग को भी ले गई अरे तो अगर 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का हम हिसाब करें अगर मेरा इतना गड़बड़ होता मैं भी घुसा देता प्लेन

ठीक है पूरी नीचे तक तो गर्म नहीं हो जाएगी ठीक है नॉर्मल दिमाग लगाया जाए तो वो बिल्डिंग ऐसे गिर रही है नीचे गई बिल्कुल जैसे डिमोलिश है डिमोलिशन की तरह वो गिर रही नीचे ठीक है तो इससे क्या सेंस बनता है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग के अंदर कुछ फट रहा है जिससे वो बिल्डिंग नीचे गिरी है डेमोलिशन में ऐसे ही होता है ठीक है तो जब ये अटैक हो रहा था ना तो उस टाइम पे जो लोग थे नीचे उन्होंने खुद बोला है कि भाई हमने बॉम्ब सुने हैं ठीक है वहां पे जो फायर फाइटर्स थे वो भी चीख रहे थे अंदर बॉम्स है बॉम्स है भागो भागो बॉम्ब्स पटे फिर बिल्डिंग क्लाब्स हुई क्योंकि वो क्लाब्स होना बहुत जरूरी था उसके लिए ये तो हमने भी देखा ट्विन टावर के साथ जो हुआ वही तो वही उन्होंने भी डेटोनेटर्स लगाए थे ट्विन टावर्स वाला ही सीन है भाई तो खतरनाक सीन है भाई ये तो कुछ भी लेना पड़ेगा यार क्या चल क्या है भाई आजकल एक और वो बड़ी वो ऐसा टर्म आ गया ब्लैक रॉक करके कोई कंपनी आ गई है ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास बहुत पैसा है हर जगह उनके, उनके स्टेक्स हैं और पैसा तो है लेकिन हर मेजर कंपनी जो हम यूज करते हैं उनका स्टेक्स स्टेक्स है Amazon, हाँ। उन सब के अंदर बहुत मेजर स्टेक्स है हाँ। तो क्या होता है आपकी कंपनी आपके बहुत सारे स्टेक्स मैंने खरीद रखे हैं फोर्टी परसेंट परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो आप कोई भी डिसीजन लोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो ये बात करो अब दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां सब में है मेरे पास तो पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल है मेरे पास कहीं ना कहीं तो ये चीज बोली जाती है कि जो ब्लैक रॉक वाली चीज है ये कहीं ना कहीं ये इल्यूमिनाटी ही है क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हैं पूरी दुनिया को इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है समथिंग 3.9 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स उससे भी ज्यादा इनफैक्ट तो ये तो हमें पता है पता है हां ये तो ऑन पेपर है ये जो पब्लिक जो ये तो मैं बात जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और वो सच नहीं है हाँ। वो सच है ही नहीं हो ही नहीं सकती पैसों के सही बात है, है।, कि, किसी है, किसी किसी है इन्फॉर्मेशन पब्लिकली है वो फेक है ठीक है हर कोई टैक्स बचाने के लिए क्या क्या करता है तो वो किस लेवल पे कर रहे हो नाई क्लोज भी नहीं होगा ये तो सही में यार ये तो खतरनाक चीज है और ये ये बहुत की दुनिया ना बहुत बहुत अलग है बहुत अजीबो गरीब है और बहुत फन भी, है। लेकिन इस इस ये पागल भी कर सकती है सोचता है तो हो सकता है ऐसे नहीं ऐसे लेकिन ऐसी ही सोचते सोचते कई बार सच बाहर आ जाता है ये बात भी सही है सोचा किसी ने वो अटैक के बारे में तो अब अब इसी वजह से वन थर्ड कंट्री बिलीव कर रही है ना उस चीज में

मैंने पढ़ी और मैंने मेरे को इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक मैंने उस उसमें बनाई वीडियो ये सब कुछ है फिर मेरे को पता चला इस स्टोरी के बारे में जो है ये पीटर्स कली वाली स्टोरी ये, ये रियल है बिल्कुल ये हंड्रेड परसेंट रियल है और ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी मेरा दिमाग घूम गया था इन ये तीन वीडियो बनाई थी मैंने इस चीज पे ठीक है और एक वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई मैं चाहता हूँ दुनिया इस पॉइंट में अब खत्म हो जाए क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका है दुनिया से क्योंकि मेरा जेनुनली उठ गया था कि मैं क्या सुन रहा हूँ वो ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन बंदा था एक पीटस कली ठीक है तो बहुत अजीबो गरीब सा बंदा था वो ठीक है तो उसने पहले तो अपने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत सारे स्कैम करे काफ़ी सारी टू पॉइंट सिक्स मिलियन थ्री मिलियन कितने का प्रॉपर्टी स्कैम करके वो भाग गया जब उसे पुलिस पकड़ जाएगी वो भाग गया फिलीपींस फिलीपींस भागा तो वहाँ पे उसने दो लड़कियाँ पकड़ ली ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ ठीक है तो दो लड़कियाँ पकड़ ली वो शुगर बेबी थी उनके साथ सब कुछ करता था ये सब कुछ करता फिर उसको पता था डार्क वेब कैसे चलता है थोड़ा पागल तो थो था थोड़ा क्या पूरा ही पागल था वो ठीक है तो उसने सोचा कि भाई मैं फिलीपींस में था बोल रहा था भाई बच्चे पकड़ के लाओ उसके दोनों शुगर बेबी को ठीक है अब कोई किसी की छोटी सी बच्ची ले आए ठीक है ये बोल गई हम इसका ध्यान रख लेंगे ठीक है किसी से किसी से खरीद ली बाय कर लिया ऐसा कुछ करके ठीक है वो लेके आया और भाई उसने उस छोटी सी बच्ची को

तो उसने बहुत बहुत टॉर्चर करा और उनकी वीडियोस बनाई थी अच्छा और वो सेल रही थी डार्क वेब पे दस दस हजार डॉलर में एंड लोग, लोग ले ले रहे थे खरीदी है ये क्या बात कर रहे हो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितने दिमाग से हिले हुए लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में ये क्या चूती है भारे में? भाई बहुत सारे हैं ये ये क्वांटिटी में बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं भाई ये जिनको ये छोटे बच्चों में इंटरेस्ट होता है ये सब कुछ जिनको ये वीडियोस होती है। स्नफ कहते हैं जिनके अंदर मतलब मरे लोगों के साथ, स्नफ होती है। तो भाई ये बाहर कैसे, कैसे आई बात की ऐसा कुछ हुआ है <laughs> पहले तो मैं डार्क वेपे रिसर्च कर रहा था फिर, को, फिर मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगा तो एक बुक में बुक पढ़ रहा हूँ मेरे ये फिक्शनल तो नहीं है फिक्शनल तो नहीं है ये तो फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करा फिर पूरे आर्टिकल्स वगैरह आए कि बंदे को अरेस्ट करा था सब कुछ करा था उसने बताया ये वो जब उसको अरेस्ट कर लिया था उसने उसके बाद वही जो उसकी दो शुगर बेबी थी उनमें से किसी ने बताया कि भाई ये बच्चों की लाश यहाँ गड़ी हुई है ये वो निकाला है वो हड्डियां निकली उनकी भाई तो ये, तो ये भाई। अभी कि दुनिया बहुत गंदी है बहुत गंदी है और ये काफी लोग ये बोलते हैं कि ये रेड रूम्स वगैरह जो है ये इतना Existing, ऐसा कुछ कुछ नहीं होता, ऐसा, ऐसे आ, कुछ नहीं होता। बट हाँ। ये सब कुछ अगर हो रहा है और ये तो बहुत पुराना है कहीं ना कहीं तो होगा ना ऐसा कुछ भाई होगा और ये खुद ऐसा हैवान है जो ये हरकत कर रहा है और वो कैसे लोग हैं जो इसे खरीद रहे हैं यार तुम बता रहे हो टेन थाउजेंड में बिक्री है वो ये जिनके पास लाइफ में कुछ बचा नहीं है करने का इसकी दुनिया ही अलग है इसका एक्सेस ही अलग लोगों के पास है आम लोगों से बहुत हम, दूर है सोच ही नहीं सकते ये चीज पर भाई अगर आप जैसे आपने एक्सेस करी हुई है डार्क वेब आपने देखा हुआ है मैंने नहीं देखा हुआ है ये डई डई नहीं। नहीं।, नहीं 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 ये देखना इलीगल है हाँ मतलब अगर मैंने देखा भी होगा तो भी मैं अभी मना ही करूंगा की मैंने नहीं देखा और मैंने जरूरी नहीं देखा मैं तो पढ़ के ही लिया था

हमें पता नहीं है और क्या होगा दुनिया में वो तब तक ही नहीं पता होता जब तक हमें पता नहीं चल जाती चीज सही भाई तो फिर उसका क्या हुआ जेल वाले लोगों को भी जो अरेस्ट हो रखे बाकी और चीजों से वो उसे मारना चाहते थे अच्छा उन्होंने डाल दी डिमांड के भाई इसको फांसी सजा दे दो या फिर हमारे पास छोड़ दो हम मार देंगे उसको जेल में रख के भी सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी अकॉर्डिंग टू द लॉ क्योंकि अभी भी है शायद अच्छा पता नहीं मैं श्योर नहीं हूँ चेक करना पड़ेगा बट हाँ तो जेल में और जेल में डिमांड करता था हंसता था जब उससे पूछते थे कि भाई तूने क्यों करा उसको मतलब कोई गिल्टी नहीं चेहरे नहीं पागल ही था हंड्रेड परसेंट को मजा ही आ गया यार आज के पॉडकास्ट में भी और फिंग भाई मज़ा आ जाता है आपके साथ बैठ के और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिंग भाई के चैनल का गोल बटन यहाँ आएगा अभी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी है जाके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और यूट्यूब पे भी भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई ऐसी थ्योरीज पे वीडियो बना रहे हैं अभी तो पूरी सीरीज चल रही है कितने कितने एपिसोड आएंगे भाई उस सीरीज में अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं फोर्थ एपिसोड चला गया अच्छा फोर्थ एपिसोड चला गया और टोटल कितने आएंगे नौ दस अरे वाह इसके बाद अपकमिंग वीडियो कौन सी है कोई अगर टॉपिक रिवील करना चाहते हो बताना चाहते हो हाइप क्रिएट करना चाहते हो ने, नेक्स्ट वीडियो अभी तो रेप्टिलियन देखने को मिलेगी अच्छा अरे वाह डिटेल में प्रॉपर भाई मैं देख रहा हूँ तुम्हारी वीडियो आजकल कुछ कैडी हो रही है एडिटिंग

चलो ओके बाय बाय